कितने किलोग्राम में आपने भाग लिया? ये प्रतियोगिता बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित की गई थी। मैंने इसमें 73 किलो बार गुरु में हिस्सा लिया था, गोल्ड मेडल। किसके साथ मुकाबला था, आपने किस तरीके से उसको फाइट में हराया? मेरा पहला मुकाबला क्रोशिया के साथ था, उसको मैंने 10-0 से हराया था। मेरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला हंगरी के साथ था, उसको मैंने 5-0 से हराया था। मेरा सेमीफाइनल मुकाबला रशिया के साथ था, उसको मैंने 9-0 से हराया था। मेरा फाइनल मुकाबला बेलारूस के साथ था, उसे मैंने 5-0 से हराया था। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मुकाबला कौन सा रहा आपका? मेरा सबसे ज़्यादा रशिया के साथ रहा था। तो ये जो विजय हुई तो आप इसको इसकी श्रेय किसको देते हैं? ये मेरे कोच हैं। दोबारा से बोल दो, इन सब का श्रेय मेरे कोच कोई कोई बहती है हमारे गांव से ही। गांव में शुरू से ही खेलों के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा था। यहाँ पे खेलों के लिए स्कूल था, डॉक्टर चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल, भाई सुरेंद्र मलिक मेमोरियल स्कूल, ये दोनों स्कूल ही थे इधर। तो दूसरे खिलाड़ियों को आप क्या प्रेरणा संदेश देना चाहेंगे? वो भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, वो भी ऐसे स्कूल का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। यहाँ तक पहुँचने के लिए पेरेंट्स ने कैसे मोटिवेट किया आपको, आगे क्या है परिवार का कितना सहयोग? मेरा आगे है ओलंपिक में मेडल जीतना है। पेरेंट्स का क्या सहयोग रहा है, किस तरीके से आपने? मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सहयोग रहा है। वो भी पहलवान थे, बता दो। बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। आपके पिताजी भी खिलाड़ी थे क्या? हाँ, खिलाड़ी खेलते थे। चाचा भी, वो भी रेसलिंग करते थे, मेरे चाचा भी। अच्छा, प्रेरणा वहीं से मिली आपके खेलने की? तो पूरे गांव ने बिटिया स्वागत किया आपका, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरे गांव ने मेरा स्वागत किया स्कूल में, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल। और आपके गांव से ही अंशु मलिक भी ओलंपिक में खेलने के लिए जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गोल्ड लेके आए, वो भी गोल्ड लेके आए, वो भी जीत के आए, हम सब का यही विश्वास है वो जीत के आएगी। आगे क्या है आपका? मेरा एम ओलंपिक मेडल जीतना है। धन्यवाद। ठीक है।